साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जाता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ गए, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये कुछ खराब खबर नहीं है, बुरी खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स पेयर में दान करेंगे और इस देश की जीडीपी में दान करेंगे और देश निर्माण में आप एक अहम योगदान प्ले करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ बुरी खबर नहीं है, अगर यही चीज अगर दोस्तों 2014 से पहले हुई होती तो ये गलत होती। आप लोग कहते कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन 2014 के बाद ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन माना जाता है किसी भी चीज को प्राइस बढ़ाने में। तो यहाँ पे गर्व की बात है कि आप भी इस देश के देश निर्माण में ज्यादा से ज्यादा रुपए आप खर्च कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, बहुत शहरों में ये हालत बन गई है कि पेट्रोल के दाम आज 100 से ज्यादा हो गए हैं, बहुत शहरों में 90 से ऊपर चले गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम काफी जोर शोर से बढ़ रही है। लेकिन इसमें आपको प्राउड करने की बात है कि आप देश निर्माण में ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों, चाहे वो 100 से पेट्रोल के दाम 1000 हो जाए, फिर भी हम पेट्रोल खरीदेंगे और अपनी देशभक्ति को दिखाएंगे। 2013 से इसी काम को अगर किया जाता, पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते, तो आप लोग कहते ये सरकार संभल नहीं रही है, इनसे ये सरकार ठीक नहीं है, पेट्रोल आम आदमी पे क्या गुजरेगी पता नहीं। अब साइकिल लेकर आप ट्वीट पर ट्वीट करते रहते। लेकिन दोस्तों अगर ये बात यही सारी चीजें दोस्तों 2014 के बाद होती या 2014 में होती तो आप कहेंगे दोस्तों ये एक नेशनलिस्ट डिसीजन है, अगर मोदी जी ने लिया है तो काफी अच्छा ही होगा। सो हाय, दिस इज प्रियंस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पेट्रोल के हाई प्राइस जो इंडिया में हो चुके हैं उसके बारे में। दोस्तों क्यों पेट्रोल का दाम जल्दी जल्दी बढ़ता है और आम आदमी पे इतनी बोझ क्यों डाल दी जाती है, क्या ये गलती पिछली सरकार की है, क्रूड ऑयल क्या होते हैं दोस्तों, पेट्रोल की जो दाम है वो मैनिपुलेट कैसे की जाती है, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू अगर पूरा देखते हैं तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। तो दोस्तों आपके मन में पहला सवाल ये है कि जो पेट्रोल के दाम है डीजल के दाम है वो बढ़ते और घटते क्यों रहते हैं। दोस्तों इंडिया हो या दूसरे कंट्री जो है वो पेट्रोल के दाम सेट किए जाते हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल पे, डिपेंड रहता है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होगा। दोस्तों जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो ये सारे देश में बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों जब घट जाता है क्रूड ऑयल का दाम तो सारे देश में भी घट जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब यहाँ जो बैरल है जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस घट भी जाती है तब भी हमें उतने ही पैसे देने पड़ते हैं, इनफैक्ट ज्यादा देने पड़ते हैं, जैसा कि हमने देखा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं दोस्तों जनवरी फरवरी यानी कि 2020 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो हाँ आपको एक बैरल में दोस्तों जनवरी 2020 में $65 लगते थे, एक बैरल में रहता है 159 लीटर। तो उस तरह से अगर आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक लीटर की प्राइस उस समय 229 रूपये के आसपास होनी चाहिए थी जो कि नहीं थी। और प्राइस क्या थी दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस समय प्राइस थी दोस्तों 72 से 75 रूपये के बीच हमारे देश में। तो यही होता है दोस्तों कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस घट भी जाता है तो हमारे यहाँ टैक्स को बढ़ाकर उसे ऊंचा कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो कैसे होता है ये भी जानेंगे दोस्तों। लेकिन आज वही चीज अगर देखे दोस्तों तो यहाँ पे एक बैरल की कीमत $58 हो चुकी है, यानी कि एक लीटर की कीमत ₹26 तक यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन क्या आपको ₹26 में एक लीटर पेट्रोल मिल रहा है आपके शहर में, आपके यहाँ? नहीं कहोगे। अब दोस्तों क्यों नहीं हो रहा है तो चलिए जानते हैं इस चीज को। जैसा कि दोस्तों आप बिजनेस में जानते हैं कि क्या होता है, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत है और रिसोर्सेज कम है तो ऑटोमेटिक ही उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उसकी प्राइस कम होती है। लेकिन पेट्रोल तो आपको पता है कितना क्रूशियल होता है, बहुत ही दिक्कत से पेट्रोल हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं और बहुत ही कम समय में ये शायद खत्म होने को भी हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सीधा से समझ सकते हैं कि जिसकी डिमांड और सप्लाई कम हो, मतलब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, उसकी कीमत ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। सारे बिजनेस पे अप्लाई होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप कहोगे दोस्तों कि इंटरनेशनल में तो यार ये ₹26 मिल रहे थे, हमको तो ₹26 में इंडिया में आ गए, लेकिन हमें इतनी महंगे क्यों पेट्रोल मिल रहे हैं, तो आइए फिर जानते हैं इस बात को।
लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मिलते हैं वो बहुत सारे प्रोसेस से वो हमारे पास आते हैं। जब इंटरनेशनल में दोस्तों क्रूड ऑयल आप खरीदोगे तो वो डायरेक्ट पेट्रोल या डीजल नहीं होता है और उसे आप डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें कि आपको 4 रुपए पर लीटर कॉस्ट हो जाती है रिफाइनरी प्रोसेस में। लेकिन दोस्तों आप तो कहोगे 26-30 रुपए होनी चाहिए, लेकिन अभी भी महंगा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, दूसरा जो सबसे यहां जो तरीका है और जो पेट्रोल या डीजल के प्राइस को सेट करता है वो है एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्सेस। दोस्तों सरकार जो है वो अपने पर लीटर पेट्रोल के दाम जो है वो सेट करती है, उस पर टैक्स लगाती है और टैक्स लगाने के कारण पेट्रोल हमें इतनी महंगे मिलते हैं। और दोस्तों ये पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी जो प्राइस पेट्रोल की दाम सेट कर दिए जाते थे वो 15 दिन पे चेंज होते थे, लेकिन दोस्तों 2017 से क्या होने लगा कि प्राइस जो है वो पेट्रोल के वो रोज ही चेंज होने लगे। सरकार ने इसके दो मुख्य वजह दिए, पहले कि जब प्राइस के दाम चेंज होंगे तो इसका डायरेक्ट अफेक्ट कंज्यूमर्स पे होगा, अगर बढ़ेगा तो भी वो लाभ हानि होगी उनके, अगर कमेगा तो उनकी ही फायदे होंगे। तो यहाँ पे दोनों जो पक्ष विपक्ष है वो कंज्यूमर को देखकर लिया गया। और दूसरा यहाँ पे ये देखने को मिला दोस्तों क्या होते थे कि जब लोग क्या देखते थे कि 15 दिन के बाद यानी 1st और 15th तारीख को जो है वो पेट्रोल के दाम चेंज होने लगते थे, तो लोग क्या रहते थे वो इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो चेक करते रहते थे और जब देखते थे कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है तो सरकार इस बार महंगे कर देगी, तो वो पहले ही 15 दिन पहले ही वो अपने गाड़ी में जाकर पेट्रोल भरवा लिए करते थे। इससे सरकार को भी नुकसान होने लगा, इस वजह से उन्होंने तय किया कि अब पेट्रोल के दाम रोज ही चेंज होंगे। और तब से 1 जनवरी 2017 से मोदी जी की सरकार ने इसे चेंज कर दिया और जो पेट्रोल के दाम है वो रोज ही चेंज होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कहोगे तो इसमें सरकार की चलो हो गई, लेकिन अब डीलर का क्या? इसमें तीसरा जो मुख्य जो सेट करता है दोस्तों वो तो डीलर शायद कम ही है, तो यहाँ पे डीलर भी एक हम कमीशन सेट करता है, मतलब कि अगर पर लीटर जो है दोस्तों वो 2 रुपए 4 रुपए उसकी कमाई होती है और डीलर यहाँ पे कमीशन खाता है। उसके बाद आपको होगी दोस्तों चलिए अगर डीलर भी मान लिया जाए तो सारे देश में मतलब पूरे इंडिया में एक ही प्राइस रहनी चाहिए, अगर कहीं 100 है तो 100 ही रहनी चाहिए थी, 90 है तो 90, लेकिन आपने हरियाणा के अंदर कुछ और है प्राइस, दिल्ली के अंदर कुछ और है, ये क्यों होता है? दुनिया को छोड़ भी दिया जाए तो इसका सिंपल सा यही वजह है दोस्तों कि अगर दुनिया को छोड़ भी दिया जाए तो जो इंडिया है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी लगाती है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो सेंट्रल के अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस लगाती है जिसको कि हम लोग दोस्तों VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेट है वो भी अपना VAT लगाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों आज के समय में स्टेट गवर्नमेंट उतनी प्राइस नहीं सेट कर रही, उतनी टैक्सेस नहीं लगा रही है जितनी की सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों पे टैक्सेज लगा रही है पेट्रोल पे। लेकिन दोस्तों इंडिया के अंदर ये सेम सिचुएशन क्या हो रही है कि जो इंडिया का क्रूड ऑयल सिस्टम है कि इंटरनेशनल में जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमारे इंडिया में ऑटोमेटिक ही बढ़ी हुई रहती है, और जब इंटरनेशनली जब क्रूड ऑयल की प्राइस घट भी जाती है तो भी हमारी सरकार जो है वो टैक्स बढ़ा देती है और हमें वही महंगे तेल खरीदने पड़ते हैं और लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ घाटा तो इंसान को ही हो रहा है, दोनों ही, चाहे तो इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल सस्ता रहे महंगा रहे टैक्स तो उतने ही हमें रिपे करने पड़ रहे हैं, पैसे उतने ही देने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको हो गया कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बहुत सारे लोग जो है वो मीम बना रहे हैं कि अरे यार इतने रुपए के लिए हम PM चेंज कर दें, ये मतलब कि वो सोच नहीं रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पैक्ट के बारे में कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है तो इससे हमें क्या घाटा होने को लग सकता है। तो दोस्तों आपको बहुत सारे तरीकों से आपको नुकसान यहाँ पे इम्पैक्ट आपके ऊपर अफेक्ट होंगे आप। तो पहला अगर जिनका दोस्तों अपना खुद का व्हीकल है उनका ऐसा मानना है कि अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो मुझे एक मंथली बजट एक्स्ट्रा इंक्रीज बजट करना पड़ेगा, अपने बजट से कुछ रुपए और काटकर इस फ्यूल प्राइस पे रखने पड़ेंगे क्योंकि इस प्राइस जो पेट्रोल की है वो काफी बढ़ गई है, तो इनको डायरेक्ट यहाँ पे इनको इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो अगर किसी को पेट्रोल में अगर 3,000 रुपए हर महीने लग रहे थे तो अब उन्हें शायद 4,000 से 5,000 रुपए तक लग जाएंगे, ये सिचुएशन हो चुकी है और पहला इम्पैक्ट उन लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों अब आप लोग कुछ लोग के पास जो गाड़ी से नहीं चलते होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि चलो हमें क्या दिक्कत है, जिनके पास अपनी गाड़ी है वो पेट्रोल ना भरवाएं,
उनकी खुद की प्रॉब्लम है, हमें कि हम तो चलेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आपको भी करना है। तो जितनी भी पब्लिक व्हीकल है दोस्तों, जिससे आप ट्रेवल करते होंगे, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, सारी जगह आपको प्राइस जो है वो इंक्रीज मिलेंगे। और आपको जैसा कि जहां पे आपको जो रेंट है वो 10 रुपए लग रहे थे, तो आप उसे 15 रुपए तक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप भी यहाँ पे इम्पैक्ट होना ही पड़ेगा। अगर बात दोस्तों सरकारी ट्रेन की भी की जाए, तो वहां भी आपको फ्यूल के चलते आपको प्राइस बढ़ा दिया जा सकता है। यहाँ पे भी आपको इम्पैक्ट जरूर होगा। तीसरा दोस्तों प्रॉब्लम, आप ट्रांसपोर्टेशन से हट भी जाए तो आप कहोगे कि चलो ये तो कुछ देर की बात है, अगर हम कहीं से कहीं ट्रेवल करते हैं तो हमें महंगे चीजों का प्रयोग होगा और हमें ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहां तक ये बात सीमित नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक शू भी खरीदने जाते हो ना, जूता, तो आपको उस प्राइस पे नहीं दिया जाता कि कितने में वो जूता बना है, बल्कि इस प्राइस को भी जोड़ा जाता है कि कितने प्राइस में वो उसके दुकान तक, शॉप तक आया है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आप किसी भी सामान को खरीदोगे तो वो जो डीलर रहता है, जो वो शॉपकीपर रहता है, वो उस प्राइस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुआ है वो भी जोड़ता है, और उसको जोड़ने के बाद आपको फिर से जो सामान है वो ज्यादा महंगे मिलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हर चीज में मिलने को लगेगी दोस्तों। और अगर एक चीज की दाम बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे रेशियो के हिसाब से दूसरे चीजों में भी इनकी दाम बढ़ेगी। तो यहाँ पे छोटी बात नहीं है, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। अगर किसी एक की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही दोस्तों दूसरे चीज की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सीधा से सीधा यहाँ पे इम्पैक्ट आप हो रहे हैं, हम हो रहे हैं, मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास लोग होंगे, बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है दोस्तों, इसलिए वो लोग आवाज भी उठाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सही तीसरा इम्पैक्ट यही होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ ही गई है, बढ़ते जाएगी, और भी दोस्तों हर चीज के प्राइस जो है वो इसी के रेशियो से सेट होगी। पेट्रोल बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे इतने होंगे, तो मैं क्यों पीछे रहूं, हर चीज की प्राइस बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी दोस्तों। और हाल ही में आपने इम्पैक्ट देखा दोस्तों कि जो इंडिया के अंदर जब महंगे हो गए पेट्रोल, तो आपने एक न्यूज खबर देखी होगी कि जो बिहार के जो अररिया और किशनगंज के लोग हैं वो कुछ लोग जो है वो नेपाल से स्मगल करके ला रहे हैं पेट्रोल को और यहाँ बेच रहे हैं। क्या चारा भी क्या बचता है उनके पास, इतने पैसे है नहीं कि वो पे कर पाएंगे, तो चलो कुछ तो सस्ता मिलेगा लोगों को, यही करना है, वो पसंद कर रहे हैं। तो ये भी इम्पैक्ट देख सकते हो आप दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप जो है, आप देख सकते हैं इस चार्ट में दोस्तों कि कितने रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम है, कितने रुपए एक्साइज ड्यूटी लग रही है, कितने स्टेट गवर्नमेंट तय कर रही है, और डीलर कमीशन कितना दे रहा है। तो आपको ये सीधा सा सीधा पता चलेगा दोस्तों कि आप 60% जो है पेट्रोल का प्राइस जो दे रहे हैं वो एक्चुअली वो उस प्राइस की कीमत थी ही नहीं, वो आप स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हैं। और वहीं पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो आप 55% जो आपकी पैसे आप डीजल के लिए खर्च कर रहे हैं वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं, आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हो। लेकिन दोस्तों आज हमारे कंट्री में 100 रुपए तक हिट कर गई है पेट्रोल, लेकिन ये चौंकने वाली बात नहीं है, कुछ और भी कंट्री है जहाँ पे ये बहुत ही कम है दोस्तों, एज कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही कम है वहां में पेट्रोल की कीमत। दोस्तों श्रीलंका में कीमत है 60 रुपीज के आसपास, नेपाल में दोस्तों 70 रुपीज के आसपास है, पाकिस्तान में 51 रुपीज के आसपास है, और यहाँ पे बांग्लादेश की बात की जाए तो ये 76 रुपीज के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया से बहुत सस्ते वहाँ पे पेट्रोल प्राइस मिल रही है। यहीं पे अगर बात नहीं भी की जा रही दोस्तों, तो दूसरे अगर और भी सस्ते अगर जगह की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए, तो वो है यहाँ पे वेनेजुएला दोस्तों, सबसे सस्ता जहाँ प्राइस पेट्रोल का कीमत है वो है 1.45 रुपीज, जितना में कि यहाँ पे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट तक नहीं होती है, उतने सस्ता है वेनेजुएला में मिलता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए ईरान की, तो वहाँ पे 5 रुपए के आसपास, और अल्जीरिया में दोस्तों 25 रुपए के आसपास। और दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इंडिया को पहला ऐसा कंट्री है जो हाई टैक्सेस रखता है पेट्रोल के दाम पर। आप जब भी पेट्रोल खरीदोगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा आपको टैक्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन यही तक सीमित नहीं है, कुछ ऐसे कंट्री भी हैं दोस्तों जहां पे आज पेट्रोल की कीमत इंडिया से भी ज्यादा है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के लिए नहीं, हमारे लिए। आइए जानते हैं। जापान में दोस्तों 95 रुपीज के आसपास मिल रही है, जॉर्डन में दोस्तों 96 रुपीज के आसपास, ऑस्ट्रिया में 101 रुपए, और यहीं पे दोस्तों जर्मनी में 119, और हांगकांग दोस्तों दुनिया का सबसे जो
महंगा जहां प्राइस मिलता है पेट्रोल का कीमत है वो है 174 रुपए। दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है हांगकांग के अंदर 174 रुपए में। फिर भी आप कहोगे दोस्तों चलो तो हमारे मोदी जी तो अच्छे हैं, कम से कम इतने तो महंगे नहीं हुए, हम तो बहुत कम है इस हिसाब से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जर्मनी के अंदर और भी कई ऐसे कंट्री जहां पे डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड हो चुके कंट्री है, वहां पे ये प्राइस उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जितनी कमाई है वो दोस्तों उतनी उनकी खर्चे नहीं है। अगर एक हिसाब में बताऊं दोस्तों, जर्मनी के अंदर दोस्तों 2 से 3 लाख रुपए जो है वो एक महीने की इनकम है एक इंसान की। अगर वही बात इंडिया की जाए तो 20 से 30 हजार जो कि यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जर्मनी से हम लोग 10 गुना, अगर रेशियो निकाला जाए तो जर्मनी से हम लोग 10 गुना जो पेट्रोल की कीमत है वो हम पे कर रहे हैं एक लीटर। तो यहाँ पे उन सारे डेवलप्ड कंट्री जो है दोस्तों, वहाँ पे लोगों की सैलरी अच्छी है, उनपे परचेइंग पावर अच्छी है, वो किसी भी सामान को खरीद सकते हैं, उनकी खर्चे कम है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे पेट्रोल बढ़ गई है तो उनसे कोई इम्पैक्ट वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया में दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 12,000 तक नहीं जा पाते हैं साल में, तो वो इतने 10 गुना जो पेट्रोल की टैक्सेज है वो कैसे दे पाएंगे, रिपे कर पाएंगे। ये सारी चीजों आपको समझ के आप किसी भी पॉइंट पे बोलना चाहिए। सो ये है दोस्तों अच्छे दिन। स्पेशली अगर मोदी जी की कार्यकाल की बात की जाए तो कितने रुपए यहाँ पे बढ़ने को मिले हैं, कितने परसेंट। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब मोदी जी मई 26, 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे दोस्तों, तो उनसे पहले ये कीमत थी दोस्तों पेट्रोल की 71 रुपए के आसपास और यहाँ पे डीजल पे दोस्तों 56 रुपए के आसपास। लेकिन दोस्तों ये जब मोदी जी बढ़े प्राइम मिनिस्टर बने तो 2014 के बाद दोस्तों 26% जो पेट्रोल की प्राइस में वृद्धि हुई है, और वहीं बात की जाए डीजल की दोस्तों तो 42% तक यहाँ पे डीजल की प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है कि जब मोदी जी के कार्यकाल से पहले दोस्तों ये बैरल थी, एक बैरल की कीमत $110 थी, लेकिन आज वो एक बैरल की कीमत दोस्तों $65 हो चुके हैं। फिर भी हम इतने महंगे प्राइस दे रहे हैं, तो किस तरह से अच्छे दिन आए हैं लोगों के लिए। जब पेट्रोल पंप पे आप जाइएगा ना तो मोदी जी का वही खुश रहनुमा चेहरा देख के आपको काफी अच्छा महसूस होगा और आप कहोगे, गुनगुनाओगे मन में, अच्छे दिन तो आ ही गए हैं। तो ये है अच्छे दिन आपके दोस्तों। आप सोचिए क्या करना है आपको। तो अब तो हर इंसान को देशभक्त दिखने का मौका मिलेगा, देशभक्त तो सब लोग होते ही है, लेकिन अब पेट्रोल के प्राइस में हाई प्राइस टैक्सेस को देकर उनको दिखने का मौका मिलेगा देशभक्त। तो यहाँ पे मोदी जी का नारा था कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, चलो अब की बार मोदी सरकार, यही उनका नारा था। और उस नारे के साथ कितने आगे बढ़ चुके हैं आप देख ही लिए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम हमारी सरकार की नहीं है, हमारी ऑपोजिशन की भी है कि वो कमजोर पड़ती है, सवाल पूछने से कटराती है। आज जो सेकंड मोस्ट जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जो है, उसकी जो लीडर है राहुल गांधी, वो ना तो किसी को कारभार देना चाहते हैं और ना ही सत्ता सौंपना चाहते हैं, खुद भी काम नहीं करना है और दूसरे को करवाना भी नहीं है। वो सवाल पूछने से क्यों कतराते हैं और ये हाई इम्पैक्ट डालता है कि सदन में ये बात कहीं ना कहीं नहीं उठती है उतनी जोर शोर से, पेट्रोल की कीमत वाली बात पे सदन में आवाज अगर उठती तो लोगों को इतना कठिनाई से गुजरनी नहीं पड़ती और इम्पैक्ट लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये अपोजिशन की कमी रह गई है जो सरकार को कुछ भी करने से नहीं रोक पाती है, अगर वो गलत भी कर रही है तो उससे नहीं रोक पाती है। दूसरी मैं कुछ उन तमाम देशभक्तों को भी देना चाहूंगा, बुद्धिजीवी लोगों को, जो देते तो वोट है सिर्फ अपनी भलाई के लिए, लेकिन बाद में वो बीजेपी आईटी सेल से प्रभावित होकर वो उनके ही चमचे बन जाते हैं और कुछ भी हो देश के अंदर वो सरकार को अच्छा ही मानने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों ये रिसेंट की बात है और आप स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे कि एक भाई साहब ने क्या लिखा, एक भाई साहब ने लिखा महंगा पेट्रोल 95 रुपए, उसको 30 से गुना किया, दिखाया कि इतने रुपए जो है वो महीने में खत्म हो गए। उसके बाद कंपेयर किए पहले वाले प्राइस से जो कि नहीं थी, 80 रुपए उन्होंने दिखाया, तो मान लीजिए 80 रुपए, तो वो दिखाते हैं कि 495 रुपए के लिए पीएम बदले, और उसमें भी शेर को पालना महंगा ही पड़ता है। यहाँ पे ये लोगों की भावनाएं बन चुकी हैं कुछ लोगों की, जो बीजेपी आईटी सेल से काफी प्रभावित हो चुके हैं, जो फैक्ट को नहीं जानना पसंद करते हैं और सिर्फ कुछ लोगों के बात में आकर इस देश को गलत राह पे ले जाना पसंद करते हैं।
लेकिन उस भाई साहब से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप वही लोग हैं ना जो 100 रुपए के चलते ईमान बेच देते हैं और वोट बदल देते हैं। और दूसरी नंबर बात, 50 रुपए के रिचार्ज के लिए आप लोग सिम बदल देते हो और 495 रुपए की बात करते हो। भाई आपको मैं बता दूं कि 450 रुपए किसी की इनकम नहीं होती है रोजाना, समझ सकते हैं। तो वो 495 रुपए उसके लिए अहमियत है। अगर आप बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बड़े शौक आपकी बात है, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के भी सोचिए, ये डेमोक्रेसी एक का नहीं है। जितना मुकेश अंबानी जी का है उतना ही एक गरीब इंसान का है, मोची का भी है, जूता सिलने वाला का भी है। तो ये ध्यान दीजिए कि किसी की कमाई 495 रुपए एक दिन की नहीं हो पाती है। यहाँ पे सीधा से सीधा इम्पैक्ट दोस्तों आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, हमारे ऊपर पड़ने वाला है, जो कि मिडिल क्लास परिवार जो है उनके ऊपर पड़ने वाला है। और जो मिडिल क्लास परिवार से ऊपर है, यानी कि बिजनेसमैन फैमिली से है, जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन पे ये कम असर पड़ता है। लेकिन मैं उन तमाम सेलिब्रिटीज को भी खोज रहा हूँ कि कुछ तो बोले पेट्रोल के दाम पे। जो पहले तो बोलते थे कि यार यहाँ पे मीम बनाने पड़ते थे कि सर मैंने स्कूटर बेच दिए क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए और साइकिल खरीद ली। ये तरीके के सेलिब्रिटी जो थे, अक्षय कुमार सर जी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन सर जी हो, कहाँ गए वो तमाम लोग जो पेट्रोल की 2 रुपए 1 रुपए बढ़ने से हाहाकार मचा देते थे। आज थोड़ा एक शब्द भी, एक सेंटेंस तो भी बोलिए, एक ट्वीट तो करिए कम से कम इस बढ़ती पेट्रोल पे। सो दोस्तों, आज क्वेश्चन टू दी गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को वोट दिया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पे ध्यान दिया जाए, आपको किसी भी तरीके का परेशानी जो वो वादा करके आए थे वो पूरा होना चाहिए। सो जय हिंद और वंदे मातरम। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है, इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है, महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहनें और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं।